कैसे हैं आप सब लोग। कड़ी सर विश्वविद्यालय गांधीनगर, भोलाभाई पटेल कॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़, बीसीए। बीसीए सेमेस्टर वन में, बीसीए 105 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका आज का टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैं डॉक्टर अभिजीत सिंह जाडेजा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज के इस टॉपिक के अंदर कंप्यूटर इवोल्यूशंस एंड कंप्यूटर हिस्ट्री की बात होगी, जिसमें कंप्यूटर किस तरह से आगे बढ़े और कितनी जनरेशन के द्वारा हमको ये टेक्नोलॉजी का आविष्कार प्राप्त हुआ है वो हम देखेंगे। तो चलिए मैं और आप सब लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपकी स्क्रीन के सामने जो लेफ्ट साइड है वो पहले का डेस्कटॉप कंप्यूटर, बेसिक गेम्स जैसे कि मारियो और बेसिक ग्राफिक्स वाले गेम से लेके आजकल की लेटेस्ट गेम दिखाई है। राइट साइड पे एक गर्ल जो है वो वर्चुअल रियलिटी के अंदर वीआर ग्लास, जिसको हम लोग वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, उसके अंदर एक क्रिएटिविटी गेम खेल रही है। ये कम्प्लीटली एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती है वर्चुअल रियलिटी। सो लेट वी स्टार्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये टॉपिक की बेनिफिशियरी, मतलब कौन से विद्यार्थी के लिए ये टॉपिक काम का है, बीई बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, बीएससी आईटी स्टूडेंट्स, बीसीए स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टूडेंट्स, ये टॉपिक समझने के लिए प्री रिक्विजिट कोई नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर की हिस्ट्री है, कंप्यूटर का एवोल्यूशन, मतलब कि किस तरह से कंप्यूटर आगे बढ़े हैं वो सब चीज़ की चर्चा है। सो इसकी कोई, इस टॉपिक के अंदर जाने से पहले कोई प्री रिक्विजिट या आपको कुछ भी आता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो प्री रिक्विजिट नथिंग। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन जो चीज़ पे हुआ है वो है उनका डेवलपमेंट टाइम, उनकी कैटेगरी और उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स देखा जाए तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। सो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑल फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जाने से पहले आपके सामने जो स्क्रीन है उस स्क्रीन के अंदर पांचों के पांचों जनरेशन के कंप्यूटर्स को एज ए सिंबल दिखाया गया है। जहां मेरा कर्सर अभी घूम रहा है यह है जनरेशन वन कंप्यूटर, जिसको एनियाक कहते हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर माना जाता था, सबसे प्रथम कंप्यूटर माना जाता था। उसके बाद एडवेक और एडसेक, पेट और आईबीएम कंपनी ने बनाया। उसके बाद जो चीज़ आपके सामने है वो है थर्ड जनरेशन, जिसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। फोर्थ जनरेशन में आजकल यूज़ होने वाले लैपटॉप और वो सब चीज़ें हैं। फ्रेंड्स, फिफ्थ जनरेशन में मैक्सिमम वेरिएबल डिवाइस आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगी। कंप्यूटर कभी भी ह्यूमन के बॉडी का पार्ट बनेगा और ह्यूमन के साथ कम्पीट करेगा। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, फाइव जनरेशन कंप्यूटर्स के सिंबॉलिक डेटा और सिंबॉलिक पिक्चर्स आपके सामने मौजूद है। सो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, इसका टाइम पीरियड था 1951 से 1959। इस जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स, बहुत बड़ा साइज में था, क्योंकि साइज में वेरी लार्ज स्केल सिस्टम लिखा गया है। प्रोसेसिंग बहुत स्लो थी। यदि कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए तो इसके अंदर डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए या कंप्यूटर की प्रोसेस के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक टैप्स, प्रोग्रामिंग बहुत डिफिकल्ट, यूज़ मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज ओनली, और वैक्यूम ट्यूब यूज होने के कारण ये कांच की ट्यूब जो आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रही है वहाँ पे
वहाँ पे आप लोगों को ये काम आ सकता है कि जिसमें वो बहुत ज़्यादा हीट लेती थी। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर आप देख सकते हैं कि सीपीयू के अंदर इंसान खड़ा होके मैग्नेटिक टैप और वैक्यूम ट्यूब को कंट्रोल कर रहा था। यहाँ जो ग्राफिकल पिक्चर है वहाँ पे आप थोड़ा गौर कीजिएगा, व्हेन द हीटर पावर इज ऑन, सबसे पहले उसके जो कैथोड, जो नीचे वाली जो स्प्रिंग दिखाई दे रही है, उसको पावर दिया जाता था। हीट कोज इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम द एनोड टू कैथोड, नीचे एनोड रहता था, ऊपर कैथोड रहता था। फिर बैटरी से एक्स्ट्रा पावर दिया जाता था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पावर जा रहा है। एक्स्ट्रा पावर जाने के कारण ये ग्लास की ट्यूब थी, वैक्यूम ट्यूब थी, वो ज़्यादा हीट होती थी। और डबल बैटरी मतलब कि एक कैथोड और एनोड के लिए और दूसरा इलेक्ट्रोड के लिए, दो दो जगह से पावर आने के कारण ये ज़्यादा हीट जनरेट करता था ये कंप्यूटर। और जैसे कि आप ऊपर के सिंबल में देख ही रहे, जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बढ़ता था। ये ग्लास की ट्यूब थी जो कांच की थी, इसके कारण वो टूटती थी, इंसान को भी हार्मफुल था और साइज़ में भी बड़ा था। और ये इतना बड़ा था कि एक कमरे के अंदर पूरा सीपीयू था, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि ये जो इंसान है वो सीपीयू के अंदर बैठ के वैक्यूम ट्यूब्स को मैनेज कर रहा था। तो ये था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में 1959 से 1963 का टाइम था। टेक्नोलॉजी में यूज़ हुआ ट्रांजिस्टर्स, साइज़ स्मॉलर हुआ, प्रोसेसिंग फास्टर हुआ। और कैरेक्टरिस्टिक्स यदि देखी जाए तो उसमें मैग्नेटिक ड्रम थी, तो यहाँ पे अब आया मैग्नेटिक कोर्स, मैग्नेटिक डिस्क, यूज़ हायर लेवल लैंग्वेज एंड ईजियर टू प्रोग्राम। मतलब कि साइज़ तो इसकी छोटी हुई, क्योंकि ट्रांजिस्टर जहाँ पे मेरा अभी कर्सर घूम रहा है आप देखिए, आज भी बहुत सारी जगह पे सीपीयू में या कहीं पे भी आपने इसको देखा है। टाइटल में जहाँ सेकेंड जनरेशन है, जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है वहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। और ये भी ट्रांजिस्टर है। सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर साइज़ में छोटा हुआ। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं वो सीपीयू है, टाइपराइटर जैसी चीज़ पड़ी है, एज वेल एज़ यहाँ पे मैग्नेटिक टैप या मैग्नेटिक डिस्क यूज़ हुई, जिसके कारण इंसान ने कंप्यूटर का साइज़ स्मॉल कर दिया। और जो वैक्यूम ट्यूब ब्लास्ट होती थी, कांच की ट्यूब्स, वो चली गई, उसकी जगह ले ली ट्रांजिस्टर्स ने। फ़ायदा ये हुआ कि अब हायर लेवल प्रोग्रामिंग होने लगी है और प्रोग्रामिंग ईजी भी हो गई, साइज़ भी कम हुआ, हीट जनरेशन और पावर जनरेशन भी कम हुआ। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर माय फ्रेंड्स, टाइम पीरियड था 1963 से 1975। यहाँ पे जिस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया वो आज भी चल रही है, आईसी मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट आई। इट इनकॉर्पोरेट मैनी ट्रांजिस्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन अ सिंगल चिप, साइज स्मॉल एज अ कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। मतलब कि सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसकी कंपेरिजन में बहुत छोटा हो चुका। प्रोसेसिंग फास्टर देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। कैरेक्टराइज देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर असेंबल बाय मल्टीपल यूजर्स फ्रॉम रिमोट टर्मिनल्स। जैसे कि आप यहाँ पे एक सर्किट देख रहे हैं और उस सर्किट में प्रवाह आता था और प्रवाह के हिसाब से उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के द्वारा पूरा इनपुट और आउटपुट नियमन हो रहा था। यहाँ पे भी जो नीचे दिखाई गया है एनिमेटेड में, वो इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा रेड और ग्रीन लाइट से इनपुट और आउटपुट जनरेट होता था। आईसी मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट। और आज भी हम बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को देखते हैं। आप जब भी कोई रेडियो या कोई भी टेलीविज़न खोलते हैं तो आपको ऐसे ग्रीन बोर्ड पे, जिसको हम पीसीबी बोर्ड कहते हैं, जिसको हम लोग एक्चुअल में मदर बोर्ड कहते हैं, जिसके ऊपर सर्किट लगता है, तो वो जो सर्किट है वो इंटीग्रेटेड सर्किट है। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर 1963 से 1975 माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। और बहुत सारे यूज़र अलग अलग जगह से उसको कंट्रोल कर सकते थे। भैया फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, इसका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 1975 से 2015, मतलब कि जस्ट 5 साल पहले ये जनरेशन है वो
इनकॉर्पोरेट लेवल पे डिक्लेयर किया गया कि ये ओवर है। जहाँ टेक्नोलॉजी की बात करें तो VLSIC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट थी। इट इनकॉर्पोरेट मैनी मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मतलब कि इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इसमें बहुत मिलियंस मतलब लाखों ट्रांजिस्टर्स और लाखों सर्किट्स यूज होते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसीलिए इसको VLSI कहा गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। साइज देखा जाए तो स्मॉल कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, प्रोसेसिंग फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन एंड फास्टर देन इवन थर्ड जनरेशन। जैसे कि यहाँ ग्राफिक्स में दिखाया गया है कि ये लैपटॉप आ चुके हैं और उसको हम लोग आज भी यूज़ करते हैं लैपटॉप को, क्योंकि लैपटॉप हमेशा के लिए एवरग्रीन है। कैरेक्टराइज देखा जाए द पर्सनल कंप्यूटर एंड यूज़र फ्रेंडली माइक्रो प्रोग्राम्स, वेरी फास्ट प्रोसेसर, चीप, हायर लेवल लैंग्वेज का यूज़ होने लगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब कि C++ जैसी लैंग्वेज भी इसमें ढूंढी गई, मल्टी यूज़र एंड मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप, मतलब कि एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा लोग, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो विंडोज़ NT, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ सर्वर, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल यूज़र के द्वारा मैनेज होती है वो इसी टाइम पे ढूंढी गई। यहाँ जो ग्राफिक्स दिखाई दे रहा है वो आप देख सकते हैं जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंप्यूटर में डाली गई, विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, क्राउलिंग, डेटा ट्रांसफरिंग, और यहाँ हार्ड डिस्क के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज किया गया। यदि आप यहाँ देखें तो आप क्लियरली समझ जाएंगे कि एक लैपटॉप को एक माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग बोर्ड के साथ कनेक्ट किया गया है, जिसके द्वारा इनपुट सिग्नल से वेरियस प्रकार के आउटपुट को मैनेज किया गया है। जैसे कि इनपुट सिग्नल डिफरेंट हुए तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर आप देख रहे हैं रेड कलर की LED इन ऑन ऑफ हो रही है, एज वेल एज यहाँ पे वायरलेस सिग्नल है वो एटमोसफियर में जा रहे हैं। देखिए आप आउटपुट है, आउटपुट के बाजू में एक वायरलेस सिग्नल्स के सिंबल्स जो GIF में दिखाए गए हैं, मतलब कि एक ऐसा जनरेशन कंप्यूटर का जिसमें लैपटॉप तो हो ही गया, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि ये पूरा हमारे कंपेरेटिव टू फर्स्ट जनरेशन बहुत छोटा हो चुका है, और आज भी हम लोग लैपटॉप्स का यूज़ करते हैं, और लैपटॉप के साथ एक्सटर्नल माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को भी कंट्रोल किया गया है। तो भैया ये था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जिसमें स्पेशली VLSI यूज हुआ। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जहाँ पे आप देख रहे हैं इंसानों की टेक्नोलॉजी के साथ एक कनेक्टिविटी दिखाई गई है। टाइम पीरियड है 2015 से लेके फ्यूचर टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जो मेन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है या फ्यूचर में आविष्कार आप देखेंगे वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। फिफ्थ जनरेशन के अंदर सुपर कंप्यूटर और ह्यूमन कंप्यूटर्स, ह्यूमन बोर्ड्स का यूज़ किया जाएगा, कंप्यूटर के अंदर ह्यूमन जैसी सक्षमता डालने की कोशिश, मतलब कि क्रिएटिविटी, इमेजिनेशंस, फीलिंग्स, सब कुछ। जैसे कि आप यहाँ पे कर्सर में देख रहे हैं कि इंसान को पूरा कंप्यूटर के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में आज बहुत सारे हॉलीवुड के मूवी आए हैं जिसके अंदर टच स्क्रीन वगैरह आए हैं और ह्यूमंस और रोबोट्स दोनों काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर, यदि जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है वहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंसान अलग अलग वेरेबल डिवाइस मतलब कि कंप्यूटर जैसे गैजेट्स, वो हाथ पे एज अ स्मार्ट वॉच, रिस्ट बैंड, ऐसे क्लोथ्स भी आने वाले हैं जो AI के रिलेटेड होंगे। यदि बाहर ठंड ज़्यादा है तो वो आपको गर्मी देंगे, बाहर बहुत गर्मी है तो वो क्लोथ्स आपको अंदर से ठंडी दे देंगे। सेंसर से भरी हुई टेक्नोलॉजी, और सेंसर्स ह्यूमन के बॉडी का पार्ट बनेंगे जिसको हम वेरेबल डिवाइस कहेंगे, जिसके द्वारा ह्यूमन का ब्रेन एज वेल एज वेरेबल डिवाइस को माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर और हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसे प्रोसेसर के साथ इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, और कंप्यूटर के अंदर इंसानों जैसी क्षमता डालने की पूरी कोशिश की जा रही है।
और उस जनरेशन को हम कहेंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, सेंसर्स, वेरेबल डिवाइस, डेटा सिक्योरिटी, टच पैनल। अपने एवेंजर्स या ऐसी दूसरी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि उनके जो हीरो है, उनके सुपर हीरो है, वो टच स्क्रीन के द्वारा बहुत कुछ मैनेज करते हैं, आवाज़ों के द्वारा बहुत कुछ मैनेज कर रहे हैं। आजकल हम लोग भी एलेक्सा, शिरी, बहुत बहुत ऐसी डिवाइस है जिसको हम लोग सिर्फ आवाज़ से मैनेज कर रहे हैं। सो दिस इज़ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। यदि कंपैरिजन देखा जाए फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन का, तो आपकी स्क्रीन के सामने है। फर्स्ट जनरेशन 1959 वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, एडवांटेज मशीन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई सबसे पहले। डिसएडवांटेज बहुत कॉस्टली था, ह्यूज इन साइज था, एक्सप्रेस एक्सेस पावर और उसमें वैक्यूम ट्यूब ब्लास्ट भी होती थी। एग्जाम्पल, इस टाइम पे जो कंप्यूटर आए उस कंप्यूटर का नाम दिया गया ENIAC, EDVAC और IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने 700 सीरीज पहली बार निकाली। सेकेंड जनरेशन जैसे मैंने ऑलरेडी बताया 1959 से 1963, जिस डिवाइस का यूज हुआ उसको ट्रांजिस्टर्स कहते थे। लेस एक्सपेंसिव, लेस पावर, चीपर एंड स्मॉलर इन साइज, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन की कंपेरेटिव में इसके अंदर ये फायदे थे। यूज असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज की जगह पे असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई। इस टाइम पे जो प्रोसेसर आए उस प्रोसेसर का नाम था IBM 7090, IBM 70941, IBM 90942। तो ये था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया था वो 1963 से 1975। इसमें जो डिवाइस इंट्रोड्यूस हुई उस डिवाइस का नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर मेमोरी। बहुत छोटा था, फास्टर था, चीपर था और सस्ता भी हुआ कंप्यूटर। लिमिटेड स्टोरेज, नॉट पोर्टेबल, मतलब कि डेटा को स्टोर करने के लिए थर्ड जनरेशन में इवन फ्लॉपी की शोध भी नहीं हुई थी। तो डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टैप जैसी एक ही डिवाइस थी जिससे लिमिटेड डेटा स्टोर होता था और उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना थोड़ा तकलीफ वाला था, तो इसके लिए नॉट पोर्टेबल। IBM 30 सीरीज और साइबर 175 जैसे प्रोसेसर का यूज हुआ। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1975 से 1915, इसका मतलब ये हुआ कि 25 प्लस 15 40 साल के अंदर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सबसे ज़्यादा बिग ड्यूरेशन माना जाता है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई उस टेक्नोलॉजी का नाम था VLSI माइक्रो प्रोसेसर। एडवांटेज ये था कि ये कंप्यूटर को लैपटॉप कहने लगे, स्मार्टफोन आए, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, वेब प्लेटफॉर्म मतलब कि WWW, क्योंकि इंटरनेट इसी दौरान 1998-1999 के अंदर इंटरनेट का यूज़ हुआ, तो वेब प्लेटफॉर्म ज़्यादा डिमांड में आए। मल्टीपल यूज़र मैनेजमेंट, एक ही डिस्क एक ही सर्वर को बहुत सारे यूज़र मैनेज करने लगे, ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। इसके डिसएडवांटेज यदि देखा जाए तो वो डिसएडवांटेज थे NPL नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ह्यूमन की भाषा समझे। मैं जैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ वैसे मैं कंप्यूटर के साथ बात कर सकूँ, नॉट वर्किंग NPL। AI नॉट इम्प्लीमेंटेशन, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का फुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। हम आज भी मार्केट में यदि लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो इंटेल i7, i9, इंटेल कंपनी के सीरीज लेते हैं। मोविडियस माइराइड X नाम का प्रोसेसर जो कि बहुत एडवांस प्रोसेसर माना जाता है। लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की यदि हम लोग डिस्कशन करें तो वो है 2016 से टिल नाउ एंड इन फ्यूचर ऑल्सो, माइक्रो प्रोसेसर विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। प्लस पॉइंट सेंसर्स, AI इन मेजर सेक्टर्स, मतलब कि कंप्यूटर को थोड़ा बहुत ह्यूमन बनाने की कोशिश, जैसे ह्यूमन के अंदर क्रिएटिविटी होती है, ह्यूमन के अंदर डिसीजन मेकिंग होता है, ह्यूमन के अंदर फीलिंग्स होती है,
ह्यूमन के अंदर सिक्स सेंस होती है, वैसा थोड़ा बहुत सेंस आर्टिफिशियल लेवल पे डालने की कोशिश कंप्यूटर में, मतलब कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्लीट विथ ह्यूमंस, कॉम्पीट विथ ह्यूमंस। इसके डिसएडवांटेज ये है कि ये कंप्यूटर्स इंसानों के साथ कॉम्पीट करने लगेंगे। ये कंप्यूटर्स डेटा सिक्योरिटी की महत्व को नहीं समझेंगे। यदि सोशल मीडिया पे आपकी प्रोफाइल है तो आपकी प्रोफाइल सीक्रेट नहीं रहेगी, मे बी आपका डेटा लॉस हो सकता है, आपकी आइडेंटिटी लॉस हो सकती है। ये सब चीज़ जो है वो डिसएडवांटेज माने जाते हैं। भैया फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो प्रोसेसर या टेक्नोलॉजी यूज़ होगी वो है एक्स कोर AI, जो कि बहुत एडवांस प्रोसेसर माना जाता है। आप इंटरनेट में से इसका डिटेल ले सकते हैं। जैकिंटो 7 सीरीज़ के प्रोसेसर, और आप लोगों को बता दें गूगल की स्मार्ट कार या गूगल की ड्राइवरलेस कार यही प्रोसेसर पे सिक्स सेंस टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सेंसर के द्वारा चलती है, जिसमें कोई ड्राइवर नहीं है, फिर भी ये कार ट्रैफिक को मैनेज कर रही है, हर्डल्स को मैनेज कर रही है, एक्सीडेंट से भी बचा रही है। आपने गूगल कार का यदि एग्जाम्पल सुना है तो आप समझ सकते हैं कि ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। गूगल कार के बारे में आपको जानना है तो आप यूट्यूब में जाके गूगल स्मार्ट कार करेंगे तो आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा, किस तरह से सीसीटीवी कैमरा सेंसर कैमरा के द्वारा ये कार कोई भी ड्राइवर के बगैर चलती है, जिसमें आपको एज अ पैसेंजर बैठना है, देर इज नो ड्राइवर। द कार इट्सेल्फ वर्क एज अ रोबोट्स, द कार इट्सेल्फ वर्क एज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड इट इज़ अ रियली ब्लेस फॉर अस, ये हमारे लिए वरदान है। नेक्स्ट जनरेशन के अंदर डेटा स्टोर कैसे किया जाएगा? यदि हम आपके साथ डिस्कस करें तो आपको यूएसबी पेन ड्राइव, माइक्रो एसडी कार्ड, माइक्रो यूएसबी कार्ड, क्योंकि आजकल आप जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं उसमें 512 GB इंटरनल मेमोरी सामान्य हो चुकी है, बट 1 TB मेमोरी से भी ऊपर यदि डेटा स्टोर करना है, द फॉलोइंग फॉर्मेट्स को बी बियॉन्ड द करंट थर्ड जनरेशन डिस्क दैट हैव द पोटेंशियल टू होल्ड मोर देन 1 TB ऑफ डेटा। मतलब कि पोर्टेबल हार्ड डिस्क जो 1 TB और 2 TB की आती है, उससे भी यदि ज़्यादा डेटा यूज़ करना है, उससे भी ज़्यादा डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी रखनी है, तो आपके सामने उपस्थित है, आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ये एक ऐसी DVD है जो प्रोटीन कोटेड है और जिसकी कैपेसिटी है 3.9 TB। यस, आई एम शेयरिंग द ट्रू डेटा विथ यू माई फ्रेंड्स, माई स्टूडेंट्स। 3.9 TB डेटा इक्वल टू 850 DVD, मतलब कि 850 DVD जितना डेटा स्टोर करती है वो सिर्फ एक होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, जिसको हम HVD कहेंगे। आपके सामने ये चित्र उपस्थित है जिसमें प्रोटीन कोटेड के ऊपर एक डिस्क है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 2004, और 2012-14 के बाद यह डिस्क का कॉमर्शियल यूज़ परमिटेड आया, बट इसका जो इन्वेंशन हुआ, इसका जो शोध हुआ है वो 2004 में हो चुका है। LSR लेयर सिलेक्शन टाइप रिकॉर्डेबल ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है, और ये वन साइड ही रिकॉर्ड करती है, जहाँ पे आप देख सकते हो उस पर प्रोटीन का कोटेड होता है, और इसी के कारण इसकी कैपेसिटी 3.9 TB डेटा स्टोर करने की है। तो आई थिंक अब थोड़े अपग्रेड हो चुके हैं। पेन ड्राइव और माइक्रो SD कार्ड है उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आपने 1 TB का कार्ड में भी देखा होगा, बट ये 3.9 मतलब कि 4 TB का एक डिस्क जो DVD जैसा है, जिसको हम लोग कहेंगे होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। बहुत बढ़िया चीज़ आपके सामने प्रेजेंट हो रही है, क्योंकि ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। जैसे कि पहले तो आप शांति से स्क्रीन के अंदर जो मूवी क्लिप्स हैं वो देख लो। एवेंजर मूवी के अंदर टोनी स्टार्क जिन्होंने रोल किया था आयरन मैन का, वो कुछ नीचे काम कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब के साथ टच स्क्रीन के द्वारा। वो पूरी स्क्रीन के अंदर ग्लोबल डेटा को एक्सेस कर रहे हैं टच पैनल। उसके ऊपर जो देख रहे हैं वो एक ऐसा स्मार्टफोन है, एक स्मार्ट गैजेट है, जिसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट टच स्क्रीन है। और यहाँ जो ये डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है
उसके बारे में मैं नीचे जो लिखा है उसके बारे में आपके साथ बातचीत करना चाहूँगा। द फ्यूचर ऑफ टच स्क्रीन सीम्स वेरी ब्राइट, मतलब कि टच स्क्रीन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एक कंपनी है साइनाप्टिक, ये साइनाप्टिक कंपनी है जिन्होंने पहली बार एक ऐसा टच पैड बनाया है जिसका नाम उन्होंने क्लियर पैड रखा है, जो कि यहाँ जिस कर्सर के अंदर एक वीडियो के अंदर एक थंब मूवमेंट के साथ दिखा रहा हूँ जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है। इट इज़ अ वेरी थिन हाई रिजोल्यूशन कैप्टिवेट टच स्क्रीन दैट कैन बी अ प्लेस ऑन टॉप ऑफ एनी डिस्प्ले, मतलब कि ऐसी एक डिस्प्ले जिसको फाइबर क्लियर, ये ग्लास की भी हो सकती है, फाइबर की भी हो सकती है, ये पूरी ट्रांसपेरेंट हो सकती है, जिसको आप कहीं पे भी रख के आपके स्मार्टफोन की तरह यूज कर सकते हैं एंड उसको एज अ आउटपुट डिस्प्ले डिवाइस यूज कर सकते हैं। वेयर अ फिंगर टच इज रिक्वायर, इस स्क्रीन को चलाने के लिए आपके फिंगर का टच होना जरूरी है। इट इज इफ दिस टेक्नोलॉजी इज मास एक्सेप्टेड देन इट नीड टू मैकेनिकल कीज विल बी एलिमिनेटेड, मतलब कि यदि बहुत सारे लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कि ये एक मोबाइल का स्क्रीन है जो कैलकुलेटर जैसा है, आपके सामने जो स्क्रीन दिखाया गया उसकी सेम रेप्लिका, ये जो फीमेल, ये जो गर्ल कैंडिडेट आपके सामने है उनके राइट हैंड में जो टच स्क्रीन है वहाँ पे आप टच करोगे और ये कैलकुलेटर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि यदि ये हुआ, ये सही में पॉसिबल हो गया, तो फ्यूचर में कीबोर्ड जैसी डिवाइस सिर्फ अवशेष मात्र रहेगी। इनपुट के लिए कहीं पे भी आप ऐसे ग्लास का यूज करेंगे और उस ग्लास में आपके सामने कीबोर्ड आ जाएगा जहाँ पे आप अपनी फिंगर टच करेंगे और कीबोर्ड जैसा काम होगा। सो आपके सामने जो उपस्थित है वो बहुत एडवांस इनपुट डिवाइस है जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का फ्यूचर में पार्ट बनेंगे। माय फ्रेंड्स, हम लोगों ने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ले लिया, अब टाइम है सेल्फ लर्निंग असाइनमेंट, मतलब के सेल्फ लर्निंग असेसमेंट का, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ SLA। फ्रॉम दिस टॉपिक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में से SLA के कितने क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को करने हैं, नीचे दिए गए एब्रीवेशन को लिखिए, जिसमें आप इंटरनेट का या रेफरेंस का या रेफरेंस बुक जो आपकी कॉलेज में दी गई है उसका सहारा ले सकते हैं। पहला फुल फॉर्म है ENIAC, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था उसका फुल फॉर्म, EDVAC, EDSAC, IBM, IC, VLSI-C एंड AI, ये टर्म के फुल फॉर्म आपको लिखने हैं। फुल फॉर्म मतलब एब्रीवेशन। राइट प्रोस एंड कॉन्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब विच यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, मतलब के जो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज हुई उसके फायदे और गैर फायदे आपको एज ए असाइनमेंट लिखना है। राइट प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स विच यूज इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, मतलब के सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो ट्रांजिस्टर यूज हुए उसके फायदे और गैर फायदे यूज करने हैं, नोट्स में लिखने हैं, एज ए असाइनमेंट लिखने हैं, एज ए सेल्फ लर्निंग असाइनमेंट लिखना है। राइट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ IC इंटीग्रेटेड सर्किट विच यूज इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, तीसरी जनरेशन कंप्यूटर में यूज होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट के फायदे और गैर फायदे, उसी तरह से चौथे जनरेशन में यूज होने वाले VLSI-C के फायदे और गैर फायदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज होलोग्राफिक डिस्क, गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑन इट। डेटा स्टोरिंग करने के लिए होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क HVD क्या है और उसकी थोड़ी ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो मैंने इस वीडियो में दी है, या आप कुछ थोड़ा सेल्फ लर्निंग सेल्फ सर्चिंग करके भी इसके बारे में लिख सकते हैं। व्हाट इज टच स्क्रीन, गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑन इट। टच स्क्रीन क्या है, सबसे पहले टच स्क्रीन क्या हुई, दोस्तों इसके लिए आप LCD, LED, टच पैनल, कियोस्क, ATM मशीन जो आजकल टच स्क्रीन से चलते हैं उसके एग्जांपल लेके बहुत अच्छी तरह से थोड़ा डेप्थ रिसर्च करके इसकी हिस्ट्री,
इसकी करंट और इसकी फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है उसके बारे में बहुत सुंदर से नोट्स बनाइएगा। प्रिपेयर कंपैरिजन चार्ट ऑफ ऑल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विथ योर ओन आइडिया एंड ओन क्रिएटिविटी, मतलब कि जो मैंने कंपेरेटिव चार्ट इस वीडियो में आपको दिखाया फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, उसके अलावा उसके साथ डिटेल में स्टडी करके और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ढूंढ के एक चार्ट पेपर में या एनिमेशन में या प्रेजेंटेशन में आप ये पांचों जनरेशन का कंपैरिजन करके आप एज ए असाइनमेंट बनाएं। सो सेल्फ लर्निंग असाइनमेंट या सेल्फ लर्निंग असेसमेंट जिसको मैं SLA कहता हूँ, ये इस टॉपिक के लिए ये था। अंत में मैं बहुत ज़्यादा ज़्यादा बड़ा बड़ा बिग थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा। मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक करिए, आप अपने कमेंट इस वीडियो के लिए लिखिए, इस टॉपिक के लिए लिखिए। ये वीडियो यदि अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अपने फ्रेंड्स के साथ। यदि आपने हमारा चैनल, मेरा चैनल लर्न थ्रू अभिजीत सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए, क्योंकि ये आपको नोटिफिकेशन देते रहेंगे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा BCA, PGDCA या IT का, वो आपको नोटिफाई करेगा और आप मेरे साथ इसी तरह बने रहेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। BCA के बच्चे के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये टॉपिक था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और मैं डॉक्टर अभिजीत सिंह जाडेजा आपको फिर से थैंक यू सो मच कहता हूँ ये वीडियो पूरा देखने के लिए। मेहरबानी करके सेल्फ लर्निंग असाइनमेंट या सेल्फ लर्निंग असेसमेंट को पूरा कीजिए और इस टॉपिक के साथ डेप्थ स्टडी करके आपको यदि कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो के बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट टू बीइंग विथ मी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, थैंक यू।